सोचा मैं भी आसपास उसमें यार दोस्तों के पास सो के हो गया बैठे हो गया आ जाएगा कोई बात नहीं। तो ठीक सुबह 4 बजे घर वालों ने फिर पूछना सुन के अभी कहाँ रखा फोन लगाया फोन नहीं उठाया। तो फिर ठीक हमने 7:30 बजे पुलिस को फोन किया सुबह से हाँ सुबह। उसके बाद पुलिस वाले आते हैं उसके बाद जी बताया तो उन्होंने कहा जी ये 2-4 जगह ऐसी हैं इन पर देखो कहीं लगता है सर घुसता में है या कहीं और होगा तो अभी पता लग जाएगा ये तो हम आपकी कंप्लेन दर्ज करेंगे। तो 1:30 बजने के बाद 10:30 बजे हमने सारा गाँव के जितने भी हमारे थे युवा चाचा था हमारे दादा जो थे सारा गांव घूमने के लिए निकल के आसपास की तरह में जंगलों की तरफ अपने खेतों की तरफ कोई पोटरे में तो वहाँ पे जब ढूंढने लगे डेड बॉडी मिली ड्राइवर के एस डी स्कूल के बिल्कुल जस्ट साथ में झाड़ियों में डाल डेड बॉडी क्या था कि सर गोलियां लगी थी दो तो छाती में एक यहाँ कलपट्टी बदली थी गोरे के हाथ में लगी हुई थी और जैसे जैसे उसको मर्डर कहीं और किया गया था जाके यहाँ डाला गया तो वो भी जब डाला है तो उसके पैर पकड़ गए पूरा उसको खींचा गया जैसे पीछे से आप देखोगे तो पीछे से भी उसका जैसे रोड की कंकर वगैरह पूरा घास वगैरह में चल के उसका स्क्रैच बन चुका पूरी कमर चुक गई थी कमर पूरी चुक गई थी जो टी शर्ट वगैरह पहन रखी थी वो भी ऊपर उठ के गले पे इतनी बुरी स्थिति की बच्चा था ही नहीं अपना वैसे खेती बाड़ी और अपना मजदूरी वगैरह के लिए तहसील में अपना छोटे मोटे काम कर दिया था कभी अपना परिवार पाल रहा था इतना गरीब परिवार से बच्चा था पापा जब छोटे सा था तभी छोटे से लगे अब वही स्थिति इस बच्चे के साथ था कि ये भी बेचारा चला गया 3 साल का बच्चा 6 साल का बच्चा देख लो बिल्कुल क्या कर दी गई है और आज का न्यू निकल रहा था भाई कौन किसका कदर किस बात का बैरी बन जाए है यू आज का तो बस मैं ऊपर आ बोल रहा सब अभी तरह छोटी छोटी बात पर मैं सोचा भाई कि मार दे काट दे या कुछ और करते तो प्रशासन को ने के कुछ कार्रवाई नहीं प्रशासन यहाँ से जब डेड बॉडी लेके गया तो डीएसपी साहब ने भी कहा था कि हम शाम तक का टाइम तो हम आपका पूछ कर लो पानी का पानी करते हैं प्रशासन भी करा नहीं करा जब थानंद के बाद में इनके यहाँ से डेड बॉडी उठी पोस्टमार्टम के लिए गए तो सवेरे 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक हमारी डेड बॉडी को किसी ने टच तक नहीं किया ना पोस्टमार्टम हुआ ना उनके एक्सरे हुए। तब हम एसपी साहब के पास मेरे गांव वाले गए हम गए हैं एसपी साहब से मिले कि ऐसी बुरी स्थिति तो ना करो ताकि हमारे हिंदू समाज में एक है कि शाम दिन छिपे के बाद अंधेरा होने के बाद हम दाह संस्कार नहीं करते। तो तब एसपी साहब ने थोड़ा सा एक्शन लिया कि भाई अगर आप यही चाह रहे हो कि भाई हम डेड बॉडी ना ले जाएं या धरना दें तो आप मत आपने तो ऐसी स्थिति कर दी ना हम इधर के छोटे ना मत करके तो एसपी साहब ने फिर डीएसपी साहब को शहरी वालों को काफी वो करा तो उसके बाद तो फिर वो एक्सरे वाले भी आ गए और पोस्टमार्टम वाले भी 7:30 बजे करने लगे अभी 10 मिनट में पोस्टमार्टम कर देंगे। पोस्टमार्टम पूरा कह रहे हैं कभी गोली रुकी हुई है गुर्दे में चुकी हुई है उसके बाद वो गोली गई कहाँ पर 6-5 6 गोली लगने के बाद अब वो कह रहे गोली है ही नहीं पहले कह रहे गोली एक बची हुई है एक निकालनी है 10-15 मिनट और लगेंगे गुर्दे में है कहीं और वो थोड़ा सा एक ऐसा लगता है कहीं मिली एक साजिश मतलब ऐसा भी कहना लग रहे हैं कि कुछ गोली बिगड़ गई या कुछ जो भी तरह बड़ा फेफड़े होता टकराव पर वापिस आई लेकिन एक भी गोली मिल गई जो कह रहे हैं प्रशासन ये कह रहा है कि एक भी गोली पहले कह रहे 2 मिल गई 3 मिल गई कभी गोली का स्टाफ पकड़ कर उसको जो कि बाद में एक तो कहते हैं कि यहाँ पे हर गोली लगी अंदर तो रखी होगी छाती में 3 लगी है 3 में से एक निकल गई एक का निशान है उसमें वो की तो नहीं निकली वो फिर उनको जब ये कहा कि हमारे एक्सरे रिपोर्ट दे दो एक्सरे में हमें वो कह रहे थे कि एक्सरे में भी ऐसा होता है कई बार हड्डी की गोली आ जाती है और वो हड्डी टूट जाती है वो आपको गोली महसूस होती है ये बहानाबाजी वाली बात होगी छाया मतलब एक गोली को मिलनी चाहिए मिलनी चाहिए थी लेकिन कल भी जैसे गाँव वाले ने लास्ट में धरना दिया क्योंकि डेड बॉडी ही इस टाइम पे थी इतना तो हम दाह संस्कार कर पाए धरना भी इसलिए दिया कि भाई वो आप डिब्बी मंगा रहे थे या वो
गोली निकालने की बात कर रहे थे, पोस्टमार्टम की बात कर रहे थे, गोली बची हुई है, वो उसके वापस होने सबके दायरे में, इसलिए गाँव वालों का धरना लगाया। धरने में फिर एसपी ने पहले डीएसपी साहब आए, फिर एसपी साहब आए, उन्होंने विश्वास दिया कि मेरे को एक दिन का टाइम दो, हम कल तक आपको आदमी देंगे। सर सबके दायरे में चार बंदे आए हुए थे, बाकी प्रशासन अब क्या करता है, देखो हम तो नहीं कहेंगे वो बच्चे हैं या वो कोई है, वो हमें तो इंसाफ चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी, हमें किसी से कोई और नहीं, हमें आदमी सिर्फ बच्चे का जो गरीब परिवार से, इतने गरीब परिवार से आप उसके बेचारे का आगे पीछे पढ़ने वाला बच्चों को पढ़ने वाला, बिल्कुल बिल्कुल देखो जी, तो आज उन्होंने बुलाया, कल तक हम और इंटीमेट देंगे इनको, अगर वो कर लेते हैं ठीक नहीं तो हम वापस गाँव वाले दोबारा से करना, तब तक मुस्लिम गिरफ्तार नहीं होगा, हम उनको करना। देखो दोषी के ऊपर जो भी कार्रवाई है भाई वक्का से जाएगी, और आपका मन में एक और डाउट चल रहा होगा, इसकी गलती के इतनी कराया के था भाई, किस कारण हमारे है वो डाउट तो दिमाग में चल रहा है। हाँ बस वही, हम ये कह रहे हैं कि क्या चक्कर हुआ आज तक उस लड़के के अंदर ना बीड़ी सिगरेट था, वो कोई भी किसी प्रकार का पूरा गांव में दवाई दे देंगे, वो एक बंदा भी करेंगे बच्चा गलत, पूरा एक आदमी भी दवाई देते हम तो कहोगे वो कर, आज तक कोई उस बच्चे के अंदर किसी प्रकार का किसी से द्वेष या कोई ऐसी हुआ, हम इसलिए सबसे प्यार से बता जाता था उधर दारो पानी पड़ोस जो गाँव है सब ये कहते भाई गलत, इसलिए पूरा गाँव हमारे साथ।